अब तक की क्लास में हमने रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी फर्स्ट चैप्टर में सेट्स। सेट्स को जब हमें समझ आ गया था तो फिर उसके बाद हमने सीखा उससे कार्टिसियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। कार्टिसियन प्रोडक्ट जब हमने लिख लिया था तो फिर हमने ये पढ़ा कि कार्टिसियन प्रोडक्ट के जो सबसेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिलेशन। और जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये है कि किसी भी ऑर्डर पेयर के अंदर, किसी भी फंक्शन या किसी भी रिलेशन के ऑर्डर पेयर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं फर्स्ट सेट में उनकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए सेकंड वाले सेट में, है ना। तो ये हमने एक पैटर्न बनाया था कि सेट्स पढ़ो सबसे पहले, उसके बाद कार्टिसियन प्रोडक्ट, कार्टिसियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन को पढ़ो, रिलेशन के बाद फंक्शन। तो आपने लास्ट क्लास में फंक्शन के डोमेन, रेंज ये सब निकालना सीख लिए थे। अब आज की क्लास में हमें क्या करना है, मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। मिसलिनियस एक्सरसाइज करने से पहले कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन है उनके ग्राफ समझ लो, उनके डोमेन और रेंज को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ, ये आज का टॉपिक है पहले हमारा। तो फंक्शन में जो सबसे पहला फंक्शन हम ले रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन है। जैसे पहला फंक्शन प्यारे बच्चों हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, तो आंसर है जब भी आपके पास ये फंक्शन गिवन हो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या एक्स, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हमने क्या नाम रखा है, आइडेंटिटी फंक्शन। आपके सामने कहीं एफ एक्स लिखा हो उसे चाहो तो वाई के इक्वल लिख लिया करो, है ना, एफ एक्स ना लिखकर। ये तो आपने जनरल फॉर्म पढ़ी होंगी ना ऐसे वाई इक्वल टू एक्स, तो ये सब चीज़ें तो पहचानते ही हो आप कि एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ इसमें और किसकी वैल्यू आती जाएंगी, y की वैल्यू। तो अगर आप चाहो तो एफ एक्स की जगह y लिख लिया करो, है ना। तो अगर ये फंक्शन आपके सामने आ गया y इक्वल्स टू x, तो इस फंक्शन का आप क्या नाम रखोगे, आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, अब इस फंक्शन को तो हम समझ गए कि इसका नाम हमने रखा है आइडेंटिटी फंक्शन, बट इसका डोमेन और रेंज क्या क्या होता होगा। तो आप ये सोचिए कि अगर आपके सामने इस तरह की इक्वेशन आ जाती है और आपको उसका ग्राफ बनाना है तो आप कैसे करते हो, ये आप 9th 10th क्लास में सीख कर आए हो कि अगर आपको एक इक्वेशन का ग्राफ बनाना हो तो आप उसमें x की वैल्यू पुट करते जाते हो, उससे आपके पास y की वैल्यू आती जाती है और फिर आपके पास कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। अब हम उनको ऑर्डर पेयर कहने लगे हैं, पहले आप उनको कोऑर्डिनेट कहते थे। मतलब इस तरह से सपोज करो, जैसे x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, 0, तो y का आंसर कितना आएगा, 0, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं, तो y का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट आ गया। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं, तो y का आंसर कितना आएगा, 2, है ना। तो आप देखोगे कि आपको इस तरह के ही पेयर मिलेंगे हमेशा, तो ये जो एलिमेंट हैं वो एक जैसे ही होंगे, तो इनको हम क्या कहेंगे कि ये किसके ऑर्डर पेयर हैं, आइडेंटिटी फंक्शन के ऑर्डर पेयर हैं, है ना, और या कोऑर्डिनेट कह दो इनको, है ना। तो आप क्या करोगे, इन कोऑर्डिनेट को कार्टिसियन सिस्टम पर एक ग्राफ पर ड्रॉ करोगे, ठीक है, बनाइए इसको। तो 0 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। 1 1 का मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये आ गया पॉइंट, एक पॉइंट मिल गया, है ना, एक पॉइंट यहाँ मिल गया था 0 0। फिर x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 2 आएगी, तो 2 रखने पर y की वैल्यू 2 आएगी, है ना, तो ये आपके पास सामने एक पॉइंट मिल गया। ऐसे अगर मैं यहाँ पर रखूँ x की वैल्यू -1, तो y का आंसर -1 आएगा, है ना, -1 रखने पर y का आंसर -1 आएगा, तो x की वैल्यू -1 रखने पर y का आंसर -1, तो ये एक पॉइंट मिल गया। तो मेरे पास 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट मैंने लिख कर देख लिए और फिर इन चारों पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन करा दिया, तो ये मेरे सामने ग्राफ बनकर तैयार हो गया, है ना। सो दिस इज द ग्राफ फॉर आइडेंटिटी फंक्शन, एंड व्हाट इज द फंक्शन, आंसर इज y इज इक्वल्स टू x इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। व्हाट इज डोमेन, तो डोमेन का मतलब हो गया जो वैल्यू हम x की पुट कर सकते हैं वो डोमेन कहलाता है। तो क्या क्या पुट कर सकते हो आप इसमें x की जगह, तो आंसर है मैं कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूँ, जितने भी रियल नंबर मैं पुट करूँगा वो सब के सब डिफाइंड होंगे, कोई भी वैल्यू x की यहाँ पर ऐसी नहीं होगी जिस पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, इसलिए आपने कहा कि डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। ओके, रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज भी क्या होंगी, रियल नंबर, है ना, क्योंकि अगर आप -1 पुट करते हो तो -1 आता है, जो नंबर आप पुट करते हो वही आंसर आता है। तो अगर आप डोमेन में रियल नंबर पुट करोगे तो रेंज में भी आंसर क्या आएगा, रियल नंबर, है ना।
तो ये इसका डोमेन हो गया और ये रेंज। तो ये है पूरा आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, वाई इक्वल्स टू एक्स, इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, इसकी रेंज क्या होती है, रियल नंबर, इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन जो कि कहाँ से पास करता है, ऑरिजिन से, है ना, इस तरह से आप कह सकते हो। तो ये आपका एक ग्राफ हो गया, बना लोगे बड़े आसानी से। इसके बाद दूसरा जो आपको ग्राफ बनाना है वो है कॉन्स्टेंट फंक्शन का। तो कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन वो फंक्शन होंगे जो एफ एक्स इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट के इक्वल होंगे, है ना। जब हमारा फंक्शन किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है तो हम क्या कहेंगे, वो फंक्शन क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपके सामने लिखा एफ एक्स इक्वल्स टू टू, है ना, ऐसे लिखा, तो ये मेरा फंक्शन किसके इक्वल है, कॉन्स्टेंट नंबर के इक्वल। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन गिवन है ये कैसा फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा कि एफ एक्स की जगह वाई लिखना स्टार्ट कर दो, है ना, आदत डाल लो इसकी, एफ एक्स ना लिख कर क्या लिख लिया करो, वाई। तो इसका मतलब इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, वाई इक्वल्स टू टू। अब वाई इक्वल्स टू टू जो है इसका मुझे ग्राफ बनाना है पहले, है ना, फिर ग्राफ से रेंज पता चल जाएगी हमें। तो y इक्वल्स टू टू का ग्राफ कैसे बनेगा ये आप जानते हो, y की इक्वेशन है तो जो लाइन आएगी वो x एक्सिस की पैरेलल होगी। इस बात का मतलब ये भी है कि इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0x प्लस y इक्वल्स टू टू, है ना, ऐसा लिख सकते हैं क्या, y प्लस टू तो ये लिखा ही हुआ है, इसमें साथ में ऐड करा लो 0 इंटू एक्स, तो इस इक्वेशन पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्विवेलेंट है। नाउ x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का आंसर कितना आएगा, 2 आएगा ना, तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 रखने पर आंसर 2। x की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 इंटू 0 0, तो y का आंसर क्या आएगा, 2, 1 पुट करने पर 2। x की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 इंटू 0 0, फिर से y का आंसर क्या आया, 2, तो 2 या 3 पॉइंट निकाल लिया करो, है ना। x की वैल्यू माइनस 1 पुट करो, यहाँ माइनस 1 पुट करोगे तो माइनस 1 इंटू 0 फिर से 0 हो जाएगा, तो y का आंसर क्या आएगा, 2। ये तो ये तीन चार पॉइंट निकालने के बाद तीन चार कोऑर्डिनेट मिल गए आपको, ये चारों कोऑर्डिनेट यहाँ पर ड्रॉ करो। तो देखो करना शुरू करते हैं, 0 रखने पर आंसर आता है 2, 0 रखने पर y की वैल्यू 2, ये पॉइंट मिला, ठीक है। इसके बाद 1 रखने पर 2 मिला, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का आंसर 2 आएगा, ओके, 2 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करने पर 2 आएगा, ठीक है, माइनस 1 पुट करने पर भी 2 आएगा, तो माइनस 1 पुट करने पर भी 2 आया। अब ये मेरे पास चार पॉइंट हो गए, इन चारों पॉइंट से मिलाकर ज्वाइन करके एक लाइन बना दी। तो ये लाइन कैसी लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। सो अब इसका डोमेन और रेंज डिसाइड कर लो। तो डोमेन का मतलब है यहाँ पर x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता था मैं, तो आंसर कुछ भी पुट करो वो तो आंसर मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाना है, है ना, तो x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर, x की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, इसलिए डोमेन क्या है, रियल नंबर। अच्छा, उससे जो y के आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, तो आंसर y के आंसर तो हमेशा एक फिक्स वैल्यू ही रहेगी, एक कॉन्स्टेंट नंबर रहेगा, है ना, आप कुछ भी यहाँ पर पुट करते रहो y का आंसर हमेशा यहाँ 2 ही आने वाला है। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि जो रेंज है वो फिक्स है, एक कॉन्स्टेंट नंबर। तो डोमेन तो हो गए रियल नंबर, बट जो रेंज होगी वो एक कॉन्स्टेंट नंबर होगा, सी, ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। तो अब आपके सामने बोर्ड पर दो फंक्शन लिखे हुए हैं, पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन, व्हेन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स या वाई इक्वल्स टू एक्स कह लो, डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, रेंज क्या होंगे, रियल नंबर, बिल्कुल आसान है। इसके बाद कॉन्स्टेंट फंक्शन की बात करो, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें y इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट हो, लाइक 2, 3, कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर। और उसका डोमेन क्या होता है, तो आंसर आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इस नंबर लाइन पर, बट y की एक पर्टिकुलर वैल्यू ही होगी, है ना, तो इसलिए रेंज तो कॉन्स्टेंट नंबर बट डोमेन रियल नंबर। ये इसका ग्राफ हो गया जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा है, ये इसका ग्राफ हो गया, ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो इस तरह से हम करते हैं, ये हो गया सेकंड ग्राफ आपका, है ना। इसके बाद थर्ड,
ग्राफ में आप ये भी देखते जा रहे हैं बनाते कैसे हैं उसको, एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, तीन चार कोऑर्डिनेट निकाल लो, फिर उसके बाद उनको ड्रॉ कर लो और लाइन को ज्वाइन कर दो, है ना। इस तरह से वही सेम आपको यहाँ पर फिर भी पढ़ना है। जैसे नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं तो ये भी आप देख लो। पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, अगर ये एक्स का फंक्शन है तो एक्स की पावर होगी समथिंग और आगे उसका कोई कोएफिशिएंट हो सकता है। यहाँ पर जो एन है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब 0, 1, 2, 3, है ना, ये वैल्यू रही होंगी एन की, ठीक है ना। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर लिख दूंगा तो उसको वो 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। नेगेटिव इंटीजर लिखो तो वो -1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर टर्म लिखा जाता है तो इसका मतलब वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो n की वैल्यू यहाँ पर 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। a यहाँ पर कोई भी एक कॉन्स्टेंट टर्म है, है ना, इस तरह से। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका डोमेन और रेंज क्या होंगे। तो जब भी आपके सामने पॉलिनोमियल आएगा तो उसका जो डोमेन और रेंज होगा वो अकॉर्डिंगली चेंज भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है, उसकी पावर कैसी है, इस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। एन की वैल्यू पर वो डिपेंड करता है। तो एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लो आपके सामने ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल है एक्स, उसकी पावर है समथिंग और उसका कोफिशेंट कितना है, 1, है ना। तो ये एक पॉलिनोमियल है ना। इस पॉलिनोमियल में आप एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो, तो आंसर है कि मैं जो भी नंबर चाहूँ वो यहाँ पुट कर सकता हूँ, माइनस का भी, प्लस का भी, है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी पुट की जा सकती है, यानी कि कोई भी रियल नंबर पुट किया जा सकता है। तो डोमेन इसका क्या हो गया, रियल नंबर, ठीक है। बट इसकी रेंज भी रियल नंबर होगी क्या, तो आंसर है नहीं, रेंज रियल नंबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर -1 रखूँ, है ना, -1 का स्क्वायर कराऊंगा तो आंसर कितना आएगा, 1, ठीक है ना। अगर मैं एक्स की वैल्यू +1 रखूं तो आंसर क्या आएगा, 1। अगर मैं एक्स की वैल्यू -2 रखूं तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा, +4। अगर मैं +2 रखूं तब भी आंसर कितना आएगा, +4। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर प्लस या माइनस का कैसा भी नंबर रखो आंसर हमेशा पॉजिटिव वाले आते हैं, है ना। जैसे यहाँ 0 का स्क्वायर करूं तो आंसर क्या आएगा, 0, है ना। तो आप ये देख रहे हो कि आंसर 0 आता है या अदरवाइज पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो 0 भी आ रहा हो, पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या लिखते हैं, तो आंसर है नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर में हम एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसलिए डोमेन है रियल नंबर, बट उसके आंसर या तो 0 आएगा या पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, तो इसलिए हमने कहा रेंज नॉन नेगेटिव नंबर होगा, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस इज डोमेन एंड रेंज फॉर एक्स स्क्वायर। और इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनाने के लिए कैसे बनाएंगे सर, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर ये जो मैंने आपके सामने कुछ कोऑर्डिनेट लिखे हैं इन्हीं को प्लॉट कर दो। मतलब जैसे 0, 0 कहाँ होगा, यहाँ पर, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पर वाई की वैल्यू 1, x1 y1, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये। 2 रखने पर आंसर कितना आता है, 4, तो 2 रखने पर आंसर 4 आ गया, एक ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट, ठीक है। इसके बाद -1 रखने पर 1, -2 रखने पर आंसर 4, है ना, प्लस का 4। तो ये जो पॉइंट है इनको ज्वाइन किया तो इसका ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, x की वैल्यू पुट कर करके कोऑर्डिनेट निकालना और उनको ड्रॉ करना वो तो आपको आता है बहुत अच्छे से। तो अभी जो मेन कंसर्न है हमारा वो ये है कि डोमेन और रेंज क्या होते हैं, तो ये आपको समझ आ रहे होंगे, है ना। अच्छा, अब इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लो पॉलिनोमियल का। जैसे एक्स स्क्वायर लिया था, इसी तरह से एक्स क्यूब भी ले सकते हो आप। तो एक्स क्यूब भी एक पॉलिनोमियल है, एक्स की पावर कोई नॉन नेगेटिव नंबर है, वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव नंबर है और इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके। इस पॉलिनोमियल फंक्शन का हम डोमेन और रेंज निकालना चाहते हैं तो वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, तो आप ये सोचो कि x की क्या क्या वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पर। तो आंसर है मैं 1 पुट कर सकता हूँ, तो 1 का क्यूब कराऊंगा तो आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। 2 पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कराने पर आंसर क्या आएगा, 2 का क्यूब 8। अच्छा, -1 पुट करा दूँ अगर मैं, तो -1 का क्यूब क्या आएगा, -1। अगर मैं -2 पुट कराऊँ तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर है -8, है ना।
तो मैंने ये देखा कि मैं यहाँ पर पुट कुछ भी करा सकता हूँ, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर कुछ भी पुट करा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि इसका डोमेन होगा रियल नंबर। ठीक है, इसके आंसर में कैसे आंसर आ रहे हैं? तो आंसर अब कुछ पॉजिटिव आंसर भी आएंगे, नेगेटिव आंसर भी आएंगे, है ना। जीरो रखने पर जीरो भी आएगा, तो जीरो भी आ रहा है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर सब कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर कैसा होगा, रेंज भी कैसी है, रियल नंबर है। तो क्योंकि हम पुट भी ये सब कुछ कर सकते हैं, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, तो डोमेन रियल नंबर और आंसर में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब कुछ आ रहा है, तो रेंज भी क्या हो गई, रियल नंबर। तो आपने देखा कि इस पॉलिनोमियल के लिए डोमेन रियल नंबर था, इसके लिए भी रियल नंबर है। इसके लिए बट रेंज कैसी थी, नॉन नेगेटिव नंबर, इसके आंसर में नेगेटिव नहीं आ रहे थे लेकिन इसके आंसर में नेगेटिव आ रहे हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए जब हम डोमेन और रेंज है वो किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे, तो आंसर है कि हम ये देखेंगे कि एक्स की पावर कैसी है। अगर एक्स की पावर इवन नंबर हुई तो उसकी रेंज कैसा होगा, नॉन नेगेटिव नंबर। अगर उसकी पावर ऑड नंबर हुई तो उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, रियल नंबर। ठीक है ना, इस तरह से आप कर सकते हो। सो दिस इज द ग्राफ फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन। तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी आप ये कर सकते हो कि जीरो पर तो जीरो ही होगा, वन रखने पर आंसर वन आ जाएगा, है ना। टू रखोगे तो आंसर थ्री हो जाएगा, एट हो जाएगा। थ्री रखने पर कहीं 27 पर जा रहा होगा। इसी तरह से यहाँ पर -2 पर -8 होगा, -3 पर -27 होगा। इन पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ग्राफ आ जाएगा। तो ये आप बड़े आसानी से बना सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है वो है रैशनल फंक्शन, है ना। रैशनल नाम से ही पता चल रहा है, रैशनल नंबर की जैसे फॉर्म होती है पी अपॉन क्यू की फॉर्म, उसी तरह से इन फंक्शन की भी फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म? ऊपर भी कोई एक्स लिखा होगा कोई फंक्शन, नीचे भी कोई फंक्शन लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास कोई फंक्शन हो सकता है इस तरह से, जैसे 5x की पावर 5, है ना। और नीचे भी कुछ नंबर हो सकता है जैसे x+2, है ना, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो ये भी एक एक्स का फंक्शन है, ये भी एक एक्स का फंक्शन है। तो f(x)/g(x) मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिख रहे हैं आपको, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, रैशनल फंक्शन। ठीक है ना। तो ये तो अगर इस तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर दो फंक्शन लिखे हुए एक्स के, तो वो फंक्शन रैशनल फंक्शन होते हैं। इनका डोमेन क्या होता है? तो इनको डोमेन आप ध्यान से समझो, जो जी एक्स है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि अगर यहाँ पर जीरो के इक्वल आ गया तो ये नंबर कैसे, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, है ना। तो हमें तो क्योंकि हमें ये रियल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़ने हैं सारे, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। और नॉट डिफाइंड कब नहीं होगा, जब जी एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी। ठीक है ना, तो यहाँ जीरो नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं रियल नंबर, बट क्या पुट नहीं कर सकते, तो आंसर है जीरो पुट नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका डोमेन मैंने क्या लिखा है, रियल नंबर में से माइनस कर दो क्या, जीरो। रियल नंबर में से जीरो हटा दो तो वो क्या बन जाएगा, इसका डोमेन। अच्छा, आंसर में कुछ भी आ सकता है, रेंज जो है वो रियल नंबर होगी, है ना। तो ये भी डिपेंड करेगा। मैं कहूँगा, मैं ऑलवेज ये ही नहीं कह सकता हूँ कि रेंज भी ऑलवेज रियल नंबर होगी, ये मैं नहीं कह सकता। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का रैशनल फंक्शन लेकर चले हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके सामने ये फंक्शन है 1/x, तो ये f(x)/g(x) की फॉर्म है ना। तो आप बता सकते हो ये वाला ना फंक्शन को आपने क्या नाम दिया था, 1/1 को क्या नाम दिया था, कौन सा फंक्शन है ये? तो आंसर है कांस्टेंट फंक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं इसी क्लास में कि ये कैसा फंक्शन है, f(x)/1 है ना। तो f(x)/1 कौन सा फंक्शन हुआ, कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, अब g(x)/x है तो बताओ ये वाला कौन सा फंक्शन है? तो हाँ, आंसर है आइडेंटिटी फंक्शन। तो ऊपर कांस्टेंट फंक्शन लिखा हुआ है, नीचे आइडेंटिटी फंक्शन लिखा हुआ है। और ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये एक रैशनल फंक्शन है, क्योंकि ये f(x)/g(x) की फॉर्म में है ना। अब क्या आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू सोचो आप क्या क्या पुट कर सकते हो 1/x में। तो 1/x के लिए अगर मैं देखूं तो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ एक्स में, लेकिन मैं जीरो पुट नहीं कर सकता क्योंकि ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, एनी रियल नंबर, बट किसको छोड़कर, तो आंसर है जीरो को छोड़कर, है ना, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। इसी तरह से रेंज की अगर मैं बात करूँ
रेंज में भी सारे नंबर आंसर आर में आएंगे इसके, बट क्या आंसर नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, है ना। अगर आप कुछ भी पुट यहाँ जीरो पुट नहीं करोगे, है ना, यहाँ जीरो तो पुट कर नहीं सकते, तो ये तो हो गया डोमेन की बात। क्या इसके आंसर कभी जीरो आ सकता है? तो आंसर इसका आंसर कभी जीरो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप डोमेन में जो पुट कर रहे हो वो एनी रियल नंबर पुट करोगे, जैसे 2, 3 कुछ भी पुट करोगे, ये इसका आंसर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इसका आंसर जीरो के इक्वल कब हो सकता था? जब यहाँ पर मैं जीरो पुट कर सकता होता, लेकिन ये तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ तो ऊपर तो जीरो पुट कर नहीं पाऊंगा मैं, है ना, तो इसलिए इसके आंसर में कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो इसकी रेंज क्या होगी? एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज रैशनल फंक्शन। सो व्हाट इज रैशनल फंक्शन? आंसर इज द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ fx अपॉन gx इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन, वेयर gx इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अदरवाइज दिस फंक्शन विल बी अनडिफाइंड। और डोमेन की अगर मैं बात करूँ तो डोमेन में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, किसको छोड़कर? जीरो को छोड़कर, ठीक है। इसी तरह से इसकी रेंज डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू ये फंक्शन कैसा दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन मोड, है ना, ये आप पहचानते हो पहले से कि अगर मॉडुलस हमारे पास फंक्शन होता है तो x की वैल्यू अंदर दो तरह से हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है x की वैल्यू। तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जो डोमेन होगा वो क्या होगा? रियल नंबर, है ना, डोमेन तो रियल नंबर होगा, x की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो आप, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी, है ना। बट अगर हम इसको मोड से बाहर निकालते हैं, जैसे 5 को निकालें तो 5 आ गया, ओके, बट -5 को निकालें तब भी आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा, है ना, इस तरह से तो हम देखते हैं। और जीरो की अगर हम बात करें तो आंसर जीरो आएगा। तो देखिए, जीरो पुट करो तो आंसर जीरो आएगा, पॉजिटिव नंबर करो तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर पुट करो तब भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि जो रेंज है वो जीरो आएगा या पॉजिटिव नंबर आएगा, इसलिए रेंज क्या होंगी? नॉन नेगेटिव नंबर। ये समझ आया? एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, इसलिए डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर, ओके। इसके आंसर्स कैसे आएंगे? तो आंसर में या तो जीरो आएगा या पॉजिटिव नंबर आएंगे, वहाँ आपको दिख रहा है, तो इसलिए आपने क्या लिख दिया? नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। मॉडुलस वाले फंक्शन को हमने इस तरह से भी डिफाइन किया हुआ है कि अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखी जाएंगी, है ना, जब कब? जब एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगा। और x की वैल्यू नेगेटिव अगर रखी जाएगी, कब? जब x लेस देन जीरो होगा। तो ये दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। तो आप जीरो या पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे, है ना, तो वहाँ पर फंक्शन क्या काम करेगा? इस फंक्शन को हम मोड में लिखकर क्या लिख सकते हैं? जस्ट x लिख सकते हैं, है ना, और अंदर, है ना। और अगर हम fx की अगर हम बात करें, अगर x आप लेस देन जीरो रख रहे हैं तो ये फंक्शन किसके इक्वल होता है? माइनस x के इक्वल। या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो आप, ओके। नाउ डोमेन हो गया, रेंज हो गया, इसका ग्राफ देखिए आप। अगर आप 1 पुट करेंगे तो +1 आंसर आएगा, 2 पुट करेंगे तो +2 आंसर आएगा, 3 पुट करेंगे +3 आंसर आएगा, 1 पुट करेंगे -1 पुट करेंगे तब भी +1 आंसर आएगा, 0 पर तो 0 आएगा ही, -2 पुट करने पर 2 आंसर आएगा प्लस का, -3 पुट करेंगे अंदर तब भी प्लस का 3 आएगा। तो ये आपके सामने कुछ पॉइंट बनकर तैयार हो जाएंगे, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कराओगे तो ये आपके सामने ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इजी। तो अब आपके सामने आ गए कौन कौन से फंक्शन आ गए? आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा आपने कौन सा पढ़ लिया? आइडेंटिटी फंक्शन के बाद कॉन्स्टेंट फंक्शन देख लिया था ये, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, उसका ग्राफ। और इसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया था, थर्ड जो फंक्शन देख लिया आपने वो हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में दो तरह के एग्जाम्पल देख लिए आपने, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू, और उनके ग्राफ समझ लिए और उनका डोमेन रेंज। और फोर्थ जो टाइप है वो आपने देख लिया बोर्ड पर, रैशनल फंक्शन। और इसके बाद लास्ट जो देख लिया वो है मॉडुलस फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर के ग्राफ पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जिसमें अगर इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रखी जाए, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर रखा जाए, तो उसका आंसर ऑलवेज 1 आएगा, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू जीरो रख दिया जाए तो आंसर जीरो आ जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो रखी जाए तो आंसर क्या आएगा? -1।
ऐसा फंक्शन जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही हो वो क्या कहलाएगा? सिग्नम फंक्शन। अगर आप पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, अगर आप नेगेटिव नंबर रखेंगे तो उसका आंसर ऑलवेज -1 आएगा। तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? सिग्नम फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने फंक्शन लिखकर दिखाता हूँ, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा ये, इस तरह से मैंने एक फंक्शन लिखा है ना। तो आप एक चीज़ देखो कि अगर सपोज करो आपने x की वैल्यू यहाँ पर पुट की ऐसे 1 है ना, 1 का मोड ऊपर आएगा और नीचे 1, तो आंसर क्या आएगा बताइए? तो आंसर आएगा 1, ये मोड से बाहर आएगा तो 1/1 आंसर कितना आएगा? 1। अच्छा आपने सपोज करो मोड आपने x की वैल्यू 2 पुट की है ना, फिर मोड से बाहर आएगा 2 तो 2 रहेगा, ये 2/2 इसका आंसर फिर से कितना आएगा? 1। आप f की वैल्यू 100 रख लीजिए, यहाँ पर जो भी मन में आता हो वो रख सकते हैं आप, 100 नीचे 100, तो ये 100/100 इसका आंसर क्या आएगा? 1। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी नंबर यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे उन सब का आंसर ऑलवेज क्या आएगा? 1 आने वाला है। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक। इसी तरह से आप नेगेटिव रखिए, जैसे f -1 में अगर रखूं तो ठीक है, यहाँ पर रखिए -1 ऊपर भी और नीचे भी, x की वैल्यू दोनों जगह -1 रखती तो -1 रखने पर ये -1 मोड से बाहर आएगा तो +1 और नीचे क्या चल रहा है? -1, तो आंसर कितना आएगा? -1। इसी तरह से आप -2 रखिए तो -2/-1, -2 मोड से बाहर आएगा तो +2/-1, तो आंसर यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, ठीक है, -2 चल रहा है तो -2, ये तो मोड से बाहर आ गया 2 और ये -2, तो आंसर कितना आएगा? -1। इसी तरह से आप -100 रख कर देख लीजिए तो कितना आएगा? -100 का मोड अपॉन में क्या? -100, तो ये भी कितना बनेगा? -100 मोड से बाहर आएगा तो 100 और नीचे चल रहा होगा -100, तो इसका आंसर भी -1। तो अगर पॉजिटिव आंसर रखें, पॉजिटिव कोई भी नंबर रखें x की जगह, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, और अगर हम नेगेटिव नंबर रखते हैं तो उसका आंसर हमेशा -1 आएगा। तो ऐसा फंक्शन जिसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखने पर उसका आंसर 1 आता हो, कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखने पर उसका आंसर -1 आता हो, वो फंक्शन क्या कहलाएगा? सिग्नम फंक्शन। तो ये आपके सामने एक आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं? तो आंसर है हम यहाँ पर कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, एक्सेप्ट x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। और बाकी डोमेन तो आपको पता चल गया, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं 0 को छोड़कर। और अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज में इसके आंसर क्या क्या आ सकते हैं? तो आंसर या तो -1 आएगा, या +1 आएगा, या 0 आएगा। अगर 0 के इक्वल रखेंगे x की वैल्यू तो 0 आएगी, और अगर ग्रेटर देन रखेंगे तो +1, और लेस देन रखेंगे तो -1 आएगा। इसके अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में देखिए ये नंबर 1, 2, 3 ऐसे चल रहे होंगे, है ना, तो आप कोई भी पॉजिटिव नंबर रखो सबका आंसर एक ही आने वाला है, क्या? 1, है ना। अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव नंबर चल रहे होंगे इधर x की वैल्यू के, तो नेगेटिव पर सबका आंसर क्या आने वाला है? y = -1 आने वाला है, इस तरह से, है ना। और 0 पर अगर हम देखें तो 0 पर आंसर क्या आएगा? 0 रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये फंक्शन क्या कहलाएगा? सिग्नम फंक्शन। तो ये डोमेन हो गया और ये इसकी रेंज हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो फंक्शन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? तो ऐसा ये आपके सामने कोई फंक्शन लिखा होगा इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से कोई फंक्शन लिखा हुआ है। अब इस फंक्शन में जो x है उसका आपको बाहर इस तरह से ब्रैकेट लगा हुआ दिखेगा, और इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको हम पढ़ेंगे द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन या इक्वल्स टू x। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है? दिस इज इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका आंसर आएगा
विच इज़ लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, ठीक है ना। इस तरह से पढ़ते हैं इसको। अब इसका मीनिंग क्या है वो भी समझा देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके सामने मैंने यहाँ पर ये लिखा, माइनस वन से लेकर जीरो के बीच में या माइनस वन के इक्वल भी एक्स की अगर वैल्यू होंगी तो उन सबके आंसर माइनस वन आएंगे। इस बात का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने लिखा माइनस का 0.9, है ना, माइनस का क्या लिखा मैंने 0.9 ऐसे लिखा, तो माइनस 0.9 का आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 1, है ना। माइनस का मैंने 0.6 लिखा तो इसका आंसर कितना आएगा, तो आंसर है माइनस 1। मतलब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि 0. something, जीरो एक इंटीजर है, अब जीरो से लेस वाला इंटीजर कौन सा होता है, माइनस वन, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस वन, ठीक है। इसी तरह से और भी अभी बात समझ आएगी, जैसे मान लो आपके सामने कहीं पर लिखा हुआ है 1.2 ऐसा लिखा हुआ है, तो 1.2 का आंसर क्या आएगा, तो 1.2 का आंसर आएगा ऑलवेज 1। 1.2 1 से बड़ा है तो 1.2 1 से बड़ा है तो उसका आंसर क्या होगा, तो आंसर 1.2 से लेस वाला जो भी इंटीजर होगा, तो 1.2 से लेस वाला इंटीजर कौन होगा, तो आंसर है 1, ठीक है। इसी तरह से मान लो मैंने दिया 1.9, ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तो 1.9 से लेस वाला इंटीजर कौन रहोगा, तो आंसर है उसका आंसर क्या आएगा, 1। फिर से समझिए ध्यान से, मान लो आपके सामने इंटीजर लिखने को दिया, तो आप इस तरह से बोलोगे माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, है ना। अब मैंने आप क्या किया, आपको एक नंबर लिखकर दिया 1 और 2 के बीच में, कुछ भी 1 और 2 के बीच में, आप जानते हैं जैसे 1.5 आता है, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे का आंसर क्या आएगा, तो आंसर है 1.5 इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो इन दोनों के बीच में से जो छोटा वाला इंटीजर वो कौन सा है, तो आंसर है 1, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, फिर से माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू ऐसे लिखा हुआ है। अब आप मेरे से कोई भी नंबर पूछ लीजिए, जैसे मान लो आपने मेरे से पूछा 0 और 1 के बीच में आपने मुझे एक नंबर दे दिया 0.9। अब आप जो भी नंबर आपको लिखा हो, आप सिर्फ इतना सोचो कि 0.9 किसके बीच में लाई करता होगा, तो आंसर है 0 और 1 के बीच में। अब 0 और 1 में से कौन सा छोटा वाला इंटीजर है, तो आंसर है 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो आंसर आएगा 0। फिर से मान लो आपके सामने 0.7 लिखा हुआ है, है ना, तो बस आप ये सोचो कि 0.7 किस किस इंटीजर के बीच में लाई करता होगा, तो आपने सोचा 0.7 0 और 1 के बीच में लाई करता होगा। अब इन दोनों में से लेस वाला इंटीजर कौन सा है, तो आंसर है 0, तो जो भी छोटा इंटीजर होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक। और कुछ क्वेश्चन देते हैं अपने आपको, जैसे मान लो मैंने आपको दिया माइनस का 1.2, है ना, ये मैंने आपको आंसर, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया माइनस का 1.2, अब आप मुझे इसका आंसर बताओ, तो कैसे बताओगे, तो आप बस ये सोचो कि माइनस का 1.2 कहाँ लाई करता होगा, तो आंसर है माइनस का 1.2 इन दोनों के बीच में लाई करता होगा या नहीं करता होगा, है ना, माइनस 1.2 इसके बीच में लाई करता होगा। अब इन दोनों में से आप देख लो कि कौन सा लेस इंट वाला इंटीजर, इन दोनों में से छोटा कौन है, तो आंसर इन दोनों में से छोटा है ये, है ना, अगर ये छोटा है तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 2, अपना आंसर आएगा माइनस का 2 आंसर आएगा। ये बात आ रही है आपको समझ में, ठीक। फिर से जैसे मान लो मैंने आपको एक आंसर दिया, क्वेश्चन करने के लिए दिया कि आप बताइए माइनस का 1. या 0.9 का आंसर बताइए, माइनस का 0.9 मैंने दिया, ठीक है, तो आपने बस ये सोचना है कि माइनस का 0.9 कहाँ लाई करता होगा, तो आंसर है माइनस 1 और 0 के बीच में। अब माइनस 1 और 0 के बीच में छोटा इंटीजर कौन सा है, तो ये है, तो इसलिए ये आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह से और कोई आंसर ले लो, जैसे मैंने आपको दिया 5.6, अब मुझे आप 5.6 का डायरेक्ट आंसर बताइए, तो 5.6 कहाँ लाई करता होगा, तो 5 और 6 के बीच में, और 5 और 6 में से कौन छोटा है, 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5, ऐसे। फिर से कोई भी और नंबर ले लो अपने आप को, जैसे आपने को दिया मैंने 10.1, तो 10.1 कहाँ लाई करता होगा, तो आंसर है 10 और 11 के बीच में, तो उनमें से छोटा कौन है, 10, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10,
इस तरह से इनके आंसर आते जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के आंसर कैसे निकालते हैं। अब इनको ग्राफ समझ लो पहले आप इनका, है ना। ग्राफ भी समझना बिल्कुल आसान है। इसमें वो ये कह रहा है कि सपोज करो 1 से लेकर 2 के बीच में, है ना, 1 से लेकर 2 के बीच में अगर कोई भी नंबर आपने लिया x में, तो उसका आंसर ऑलवेज किसके इक्वल होगा, 1 के, है ना। इन दोनों में छोटा यही तो है। ऐसे 2 और 3 के बीच में आपने कोई भी नंबर लिया, तो उसका आंसर हमेशा किसके इक्वल होगा, 2 के, है ना। तो ये y इक्वल्स टू 2 आएगा उसका आंसर। ऐसे 3 और 4 के बीच में x की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, तो उसका आंसर हमेशा कौन सा आएगा, 3। ये इस तरह से ऐसे ही इसमें दिया है कि 0 और -1 के बीच में अगर आपका कोई भी नंबर गिवन है, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, माइनस, ये छोटा है उसमें। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर दिया हो x की वैल्यू, है ना, x कुछ भी दिया हो इन दोनों के बीच में, तो उसका आंसर कितना आएगा, पर इन दोनों में से छोटा वाला नंबर ये है, तो ये आंसर आएगा -2 ऑलवेज, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर दिया हो, जैसे मान लो आपको दे दिया माइनस का 2.5, है ना, ऐसा दे दिया, तो माइनस का 2.5 किस किस के बीच में लाई करेगा, -2 और -3 के बीच में। अब इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो इन दोनों में से छोटा इंटीजर कौन सा है, छोटा इंटीजर ये है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर आएगा, तो उसका आंसर कितना होगा, -3। तो ये उसका ग्राफ बना दिया हमने, ठीक है ना। तो ये अब आपको समझ आ गया हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अभी आपने देख लिए सारे ग्राफ, है ना, आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहते हैं, कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है ना। फिर इसके बाद आपने देख लिया सिग्नम फंक्शन क्या होता है, रैशनल फंक्शन क्या होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो ये सारे फंक्शन के ग्राफ आप बनाकर देख लो, इनके डोमेन रेंज निकालना सीख लो, है ना। जैसे आपने ये सिग्नम वाला फंक्शन देखा, तो इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, रेंज क्या होती है, -1, 0, 1, है ना। तो ये आप, मैंने आपको करके दिखा दिया था कि ये 1 आएंगे आंसर इसके, माइनस रखने पर -1 आएंगे। तो ये इसका एग्जांपल था। इसमें एक्स जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, तब तो ये फंक्शन काम करता है। और फॉर यहाँ पर लिख ले, जब एक्स 0 के इक्वल होता है तो क्या होगा, वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा आंसर, ठीक है ना। फॉर एक्स इक्वल्स टू 0 आंसर किसके इक्वल होगा, एफ एक्स का आंसर 0 के इक्वल रहेगा। तो ये पहले से डिफाइंड है ना। तो आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में मत रहना कि -1 तो सर ने दिखा दिया, +1 भी सर ने दिखा दिया, ये 0 कहाँ से आया। तो आंसर है कि जब x के इक्वल नहीं होगा, जब x 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, तब आंसर या तो +1 होंगे या -1 होंगे। लेकिन अगर x इक्वल होगा 0 के, तो हमने पहले से ही डिफाइन किया हुआ है कि इस फंक्शन का आंसर क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। तो इसलिए इसके 3 ही आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने ग्राफ की सबकी स्टडी कर ली, डोमेन रेंज निकाल लिए। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और है फंक्शन के साथ जो आप कर सकते हो, वो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, है ना। तो कोई भी फंक्शन जब आपके सामने आता है, तो आप इस तरह से तो लिखते हो उसको, एक फंक्शन है सच दैट वो रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है, है ना। इस बात का मीनिंग समझते हो ना बड़े अच्छे से। इस बात का क्या मीनिंग होता है, इस बात का मीनिंग ये होता है कि सपोज करो आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, है ना। कौन सा वाला फंक्शन है ये बताओ, पहचान लो कौन सा, इसका नाम क्या है इस फंक्शन का। तो आंसर है, इस फंक्शन का नाम है आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। ये आपने ग्राफ पढ़ा था ना, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अब इसमें आप जो x की वैल्यू पुट करते हो, उससे क्या होता है, इसकी वैल्यू आती जाती है, x की वैल्यू आ गई कितनी, 1 आ गया, है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू आप पुट करते हो, उससे उसके आंसर निकल कर आते हैं। तो जो पुट करते हो वो डोमेन होता है, जो आंसर निकल कर आते हैं वो क्या होते हैं, उसकी रेंज। तो 2 पुट करोगे तो 2 आंसर आएगा, 3 पुट करोगे तो 3 आंसर आएगा, 4 पुट करोगे तो 4 आंसर आएगा। इस तरह से फिर आप इनका एक एरो डायग्राम बना सकते हो कि 1 पुट करने पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4 आ रहा है ना। इस तरह से एरो डायग्राम भी बना सकते हो इसका। तो जब आप एरो डायग्राम बनाते हो, तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि यहाँ पर सब लिखे हुए हैं रियल नंबर, यहाँ पर भी सब लिखे हुए हैं रियल नंबर, और ये जो नंबर लिखे हुए हैं जिनका रिलेशन है आपस में, वो किस फंक्शन के अंडर में है। तो आंसर है f के अंडर में है। यहाँ पर f किसके इक्वल है, x के, एफ एक्स किसके इक्वल है, x के। अगर यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर कर दूँ, है ना, ये रिलेशन चेंज हो जाएंगे, और आ रहा होगा, वैसे 1 से 1 आ रहा होगा, 2 से 4 आ रहा होगा,
तो ये हम इसको पढ़ते कैसे हैं कि ये रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है ना, और यहाँ पर जो भी रिलेशन है वो किसके अंडर में है, एफ के अंडर में है, जो भी रिलेशन यहाँ पर दिखा रखे हैं, तो इसको इस तरह से पढ़ते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन, ये क्या लिखा हुआ है, तो हम ये आंसर है कि ये हम फंक्शन को डिनोट करने का तरीका है कि फंक्शन ये कोई फंक्शन है सच दैट वो कहाँ से कहाँ तक का फंक्शन है, रियल नंबर से रियल नंबर, यानी कि जो वैल्यू पुट की जा रही है वो रियल नंबर है और जो उसके आंसर आ रहे हैं रेंज जो है वो भी क्या है, रियल नंबर, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इनकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ये सब कुछ सीखना है। तो सपोज करो आपके सामने कोई एक फंक्शन था, ये एफ एक्स, ये कोई एक्स का फंक्शन था, इसी तरह से जी एक्स कोई फंक्शन है आपके पास, वो भी रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है, है ना। और आपको इन दोनों को क्या कराना है, ऐड। तो ऐड कराना बिल्कुल आसान है, जब ये इंडिविजुअल ये फंक्शन है तो एफ एक्स और जी एक्स लिखे गए थे, अब एफ और जी को आप ऐड कराना चाहते हैं, एफ प्लस जी, है ना, ये भी किसका फंक्शन होगा, एक्स का। तो ये कैसे करोगे आप, पहला फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन, इस तरह से सिंपल एडिशन कराओगे इनका, एफ प्लस जी किसके, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, है ना, इसको क्या पढ़ोगे, एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन है ये किसका, एक्स का, ये जी ऑफ एक्स यानी कि ये फंक्शन है किसका, एक्स का। ऐसी एफ प्लस जी इसको क्या पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन है किसका, एक्स का, सच दैट ये किसके इक्वल है, एफ एक्स प्लस जी एक्स के इक्वल, है ना। तो मान लो आपको मैंने एक फंक्शन दे दिया इस तरह से, एफ एक्स इक्वल है 2x के और जी एक्स इक्वल है सपोज करो 3x के। अब मैंने आपको कहा कि इन दोनों फंक्शन को ऐड करके दिखाओ, तो आप ऐड कर दोगे इसको, f प्लस जी ऑफ x, इन दोनों फंक्शन का एडिशन किसके इक्वल होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो 2x प्लस 3x, आंसर कितना आ जाएगा, 5x, इस तरह से सिंपल जस्ट ऐड करना है इनको फंक्शन को बिल्कुल आसानी से। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का रूल बताइए क्या होता होगा, अब आप समझ गए होंगे सब्ट्रैक्शन कैसे होता होगा। तो सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल आसान है कि अगर ये दोनों फंक्शन है और इन दोनों फंक्शन को f में से g सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, बिल्कुल सिंपल है ना। अगर g माइनस f करना होगा तो जी एक्स माइनस एफ एक्स आ जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन में मुझे माइनस सब्ट्रैक्ट करके निकालना हो, इनका दोनों का सब्ट्रैक्शन करना हो, तो क्या करूँगा, तो आंसर है कि f माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल होगा किसके, एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x, तो आंसर कितना आएगा, -3, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो जस्ट जैसे सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हो उसी तरह से ये फंक्शन में भी चलता है। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लीकेशन भी अब आप समझ गए होगे कि किस तरह से चलता होगा, प्लस माइनस, अब इसके बाद मल्टीप्लीकेशन। तो अगर ये फंक्शन है एक्स का और ये जी एक फंक्शन है एक्स का, तो आपको अगर एफ और जी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कराना हो तो ये किसके इक्वल होता होगा, तो आंसर है एफ एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ, जी एक्स के साथ, है ना। तो इसका डायरेक्टली मुझे आंसर बताना क्या आएगा, एफ ऑफ जी इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो वो किसके इक्वल होगा, तो आंसर ये एफ एक्स इंटू जी एक्स के इक्वल रहा होगा। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x, इंटू जी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x, तो 2 × 3 = 6, एक्स इंटू एक्स x², इस तरह से इसका आंसर आ जाता होगा। तो बस जस्ट सिंपल ये प्लस करते जाओ, माइनस कर दो एफ एक्स में से जी एक्स, मल्टीप्लाई करा दो, ऐसे ही आपका है ना कोशेंट रूल भी वैसे होता है। वो बिल्कुल आसान है, आप एफ बाई जी एक्स कराना चाहते हैं तो वो सिंपल होगा कि एफ एक्स को डिवाइड करा दो किससे, जी एक्स, है ना, इस तरह से। तो फर्स्ट आपने देख लिया एडिशन, जस्ट दोनों को फंक्शन को ऐड करा दो। सेकंड है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कराने के लिए दो फंक्शन के लिए क्या करते हैं, पहले फंक्शन में से दूसरे फंक्शन को माइनस कर देते हैं। मल्टीप्लीकेशन कराना है तो जस्ट दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट करा दो, और अगर आपको डिवीजन के लिए आ जाता है कभी दो फंक्शन का तो दोनों फंक्शन को डिवाइड करा लो और जो भी आंसर आ रहा हो वो बन जाएगा वहाँ पर। इसके बाद एक और चीज़ आप कर सकते हो,
मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर, है ना, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराना हो किसी फंक्शन को, जैसे अल्फा से मल्टीप्लाई कराना है आपको किसी फंक्शन को जो कि एक्स का फंक्शन है, तो वो किसके इक्वल होगा, जस्ट इक्वल होगा अल्फा इंटू एफ एक्स के। मतलब जैसे मान लो कि आपके सामने कोई एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कराना है किसी स्केलर नंबर से, टू से, तो आप कैसे कराओगे? तो आंसर है कि टू का इस फंक्शन से मल्टीप्लाई कराने का मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, है ना, तो मल्टीप्लाई, तो जिस तरह से आप करते हो जनरल प्लस माइनस उसी तरह से चलना है, दोनों फंक्शन को प्लस कर लो, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कराना, तो ये अलजेब्रा है जो आपके बहुत काम आने वाला है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इस चैप्टर में फंक्शन में, जो जैसे कि मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया, जैसे सिग्नम फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ये सब आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं जब आप क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर पढ़ोगे रिलेशन फंक्शन, वहाँ बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, है ना। तो अभी से इनको तैयार कर लो, और अभी क्लास इलेवेंथ में इनके ऊपर कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो ग्राफ तैयार कर लो, एलजेब्रा आप समझ लो कि ये सिंपल जस्ट प्लस माइनस कैसे करते हैं, और इनके बेस पर भी मिसलेनियस में जो भी क्वेश्चन है वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपकी सारी थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया, है ना, आपने क्या कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया, ठीक है, रिलेशन किसे कहते हैं वो समझ लिया, रिलेशन का डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं वो भी आपने देख लिया, इसके बाद फंक्शन किस किस तरह के फंक्शन हैं उनके डोमेन और रेंज क्या होते हैं वो भी आपने देख लिया, उनके ग्राफ समझ लिए, और बिल्कुल सिंपल है ईजी वाला एक एलजेब्रा है इनका, सिंपल प्लस माइनस की तरह ही, तो वो भी आपने देख लिया। अब हम इसके बात करेंगे, जो भी हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की, उसको देखेंगे, ठीक है ना?